तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो के F7 फोन की अनबॉक्सिंग और एक क्विक हैंड्स ऑन रिव्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीप और आप देख रहे हैं टेक रोजाना, जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना। तो आज हमारे साथ है ओप्पो का ये लेटेस्ट F7 फोन। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या हमें मिलता है इस पैकेज के अंदर, और उसके बाद लेंगे इसका एक क्विक हैंड्स ऑन रिव्यू और किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन का हमें मिलता है इसको हाथ में लेते ही। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा ओप्पो F7 का रिटेल यूनिट। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या मिलता है हमें इस पैकेज के अंदर। तो ये है वो सब चीज़ें जो हमें मिलती है इस पैकेज के अंदर। तो सबसे पहले हमें मिलता है हमारा चार्जर। तो ये एक 5 वॉट्स 2 एम्प का चार्जर है, यानी कि इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद हमें मिलता है ये हमारा चार्जिंग केबल, जो कि एक USB टू माइक्रो USB केबल है, क्योंकि इसके अंदर हमें USB-C पोर्ट नहीं मिल रहा। उसके बाद हमें मिलती है ये ईयरफोन्स, जो कि बिल्कुल एप्पल के ईयरपॉड्स जैसे देखने को मिलते हैं हमें। और जो लास्ट एसेसरी हमें इसके साथ मिल रही है वो है ये एक सॉफ्ट TPU केस, जिसके अंदर हमें अंदर की तरफ जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न मिलता है, और साथ ही इसमें नीचे की तरफ हमें मिलते हैं हमारे माइक्रो USB पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक को कवर करने के लिए फ्लैप्स, तो जिससे कि हमारे फोन के अंदर जो है धूल मिट्टी जमा नहीं होगी। तो दिस इज अ गुड थिंग। और लास्टली हमें मिलता है हमारा फोन। तो फोन जो है वो काफी स्टाइलिश है, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये एक रेड कलर का यूनिट है, और जो इसका बैक है उसके ऊपर हमें एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है। तो आइए अब ले लेते हैं इस फोन का एक फिजिकल ओवरव्यू। तो ऊपर की तरफ हमें मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, जबकि राइट की तरफ हमें मिलता है पावर ऑन ऑफ स्विच, और उसके ऊपर हमें मिल जाती है सिम ट्रे। ये जो सिम ट्रे है इसके अंदर हम 2 नैनो सिम के साथ में माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें हमें ड्यूल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा। बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे हमें मिलता है हमारा स्पीकर, उसके बाद हमें मिलता है हमारा माइक्रो USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5mm हेडफोन जैक। बात करें इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हमें मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में हमें मिलती है एक 6.23 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ हमें मिलता है। वहीं ऊपर की तरफ हमें मिलता है हमारा मेन सेल्फी कैमरा, उसके बाजू में है हमारा ईयरपीस और कुछ सेंसर्स। वहीं आ जाए पीछे की तरफ, तो यहाँ हमें मिलता है हमारा प्राइमरी कैमरा, फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ओप्पो की ब्रांडिंग और कुछ इन्फॉर्मेशंस। वहीं जो इसका बैक है वो देखने में बिल्कुल ग्लास बैक की तरह लग रहा है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है, ग्लास नहीं है। इनफैक्ट जो पूरा फोन है वो भी प्लास्टिक से ही बना हुआ है, और इसीलिए फोन जो है उसको हम हाथ में लेते हैं तो तुरंत हमें फोन जो है काफी लाइट भी फील होता है। तो अगर बात करें इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो फोन जो है वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। स्पेशली जो इसमें पीछे की तरफ हमें ग्लास लुकिंग बैक दिया है, उस वजह से फ़ोन का लुक जो डिज़ाइन है ओवरऑल वो बहुत ही स्टाइलिश फील होता है। लेकिन फ़ोन को जैसे ही हम हाथ में लेते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि फ़ोन जो है वो मेटल से नहीं बल्कि प्लास्टिक से बना है। तो जो इसका इन हैंड फील है वो थोड़ा सा इतना प्रीमियम नहीं हमें महसूस होता है। तो चलिए फ़ोन को बूट कर लेते हैं और उसके बाद कर लेते हैं इसका सेटअप। और जब तक ये फ़ोन जो है बूट हो रहा है, तब तक आइए नज़र डालते हैं इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस पर। इसमें हमें मिलता है मीडिया टेक का P60 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है क्लॉक्ड एट 2 GHz।
साथ ही हमें मिलता है माली G72 MP3 GPU, 4 या 6 GB के RAM options, वहीं 64 GB या 128 GB का internal storage options। सामने की तरफ हमें मिलती है एक 6.23 इंच की Full HD Plus 19:9 aspect ratio वाली IPS LCD screen with a pixel density of 405 PPI और एक front facing selfie camera जो कि है 25 megapixel का f2.0 aperture का camera। वहीं rear में हमें मिलता है 16 megapixel का f1.8 का camera with a flash, fingerprint scanner, एक 3400 milliampere की battery, dual SIM slot plus dedicated micro SD card slot। और ये जो फोन है इसमें हमें मिलता है कलर ओएस 5.0 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 8.1 और इस फोन के अंदर हमें सभी तरह के बेसिक सेंसर्स भी मिल जाते हैं। तो हमारा फोन जो है वो बूट अप हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ओप्पो ने हमें दी है एक रेड कलर की थीम बाय डिफॉल्ट और इसके अंदर जो है हमें गूगल के सभी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड मिलती है। उसके अलावा इसमें ओप्पो ने अपनी भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दी है जैसे कि ओप्पो का ऐप स्टोर, थीम स्टोर, फोन मैनेजर, म्यूजिक, वेदर ऐप और इस तरह की बहुत सारी ओप्पो की खुद की ऐप्स भी इसमें उसने इंस्टॉल कर रखी है। और इसके अंदर हमें जो है ऐप ड्रॉअर नहीं मिलता है। चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले हम जाते हैं अबाउट फोन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अबाउट फोन के अंदर डिवाइस नेम है हमारा ओप्पो F7 और इसमें हमें मिलता है कलर ओएस वर्जन 5.0 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड वर्जन 8.1 के ऊपर। इसमें हमें हीलियो का P20 प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 2 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर है और इसके अंदर हमें 4 GB की रैम मिलती है और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और सिक्योरिटी पैच की अगर बात करें तो इसमें हमें 5 फरवरी 2018 यानी कि फरवरी का सिक्योरिटी पैच मिल चुका है। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं इसके कैमरा ऐप की। तो ये है इसका कैमरा ऐप जिसके अंदर हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि टाइम लैप्स, फिर हमें मिलता है वीडियो का ऑप्शन, उसके बाद बात करें तो इसके अंदर हमें फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर AI फीचर्स में हमें कुछ स्टिकर्स के फीचर्स भी मिलते हैं और पैनोरामा का फीचर मिलता है और हमें एक एक्सपर्ट यानी कि मैनुअल मोड भी इसमें हमें मिल जाता है। तो आइए कुछ क्विक फोटोग्राफ्स ली जाए कि किस तरह का परफॉर्मेंस ये हमें दे रहा है। तो बात करें इसके कैमरा परफॉर्मेंस की तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ मैंने अभी क्लिक किया है, फोटोग्राफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शार्प है। 16 MP का कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। और बाकी इसका कैमरा परफॉर्मेंस हम देखेंगे इसका फुल इनडेप्थ कैमरा का रिव्यू, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका कैमरा परफॉर्म कर रहा है। और बात करें इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने सेटअप कर लिया है। ये टच किया मैंने, अनलॉक हो गया, टच किया मैंने, अनलॉक हो गया, टच किया, अनलॉक हो गया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सिव और बहुत ही एक्यूरेट भी है। साथ ही इसमें हमें मिलता है एक फेस अनलॉक का फीचर भी, तो वो भी मैंने सेटअप किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस फ़ोन को ऐसे करके पिक करूँगा अपनी तरफ तो ये सीधा अनलॉक हो जाता है। इसको मैंने फ़ोन को मेरी तरफ पिक किया और ये फेस अनलॉक हो गया। तो इसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों ही तरह के अनलॉकिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ओप्पो का ये F7 फ़ोन जो है ये पहली नज़र के अंदर एक डिसेंट फ़ोन है। हालांकि प्राइस की बात करें तो 22,000 रुपये के अंदर थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। जो इसकी स्क्रीन स्पेशली हमें मिल रही है वीवो V9 के बाद ये सेकेंड फ़ोन लॉन्च हुआ है जिसके अंदर हमें इस तरह का नॉच वाला स्क्रीन मिल रहा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है एक अच्छा बाय है अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं। तो आने वाले वीडियो में हम करेंगे इसका एक इनडेप्थ रिव्यू, देखेंगे इसके अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को और फिर देखेंगे किस तरीके से ये उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो बस दोस्तों यही था आज आपके साथ शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है इस फोन को लेके या और कोई टेक रिलेटेड क्वेरी है तो वो पूछिएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दबाइएगा उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सके नोटिफिकेशन।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।